अगर आप भी फ्री फायर खेलते हो तब आपको कैरेक्टर एबिलिटी के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। बात तो सही है। अगर आप अच्छा कैरेक्टर एबिलिटी यूज नहीं करते हो तब आप कभी भी प्रो नहीं बन सकते हो। ये क्या बात करता है यार। क्योंकि इस गेम में कैरेक्टर एबिलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए गाइस मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फ्री फायर के ऑल कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझा दूंगा कि कौन सा कैरेक्टर का क्या नाम है और उसका क्या काम है। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहो, कहीं पर भी स्किप मत करो। अगर आपने स्किप कर दिया तब आप भी लोकेश गेमर जैसे अलोक को स्काइलर बोलने लगोगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्टिव कैरेक्टर स्किल और पैसिव कैरेक्टर स्किल दोनों के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। क्या बात है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हमारे गेम में कैरेक्टर एबिलिटी में दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक्टिव और पैसिव। सो गाइस पहले बात कर लेते हैं एक्टिव के बारे में। अगर किसी कैरेक्टर के पास एक्टिव कैरेक्टर स्किल है तब उसके पास सुपर पावर है, और किसी के पास अगर पैसिव कैरेक्टर स्किल है तब उसके पास नेचुरल पावर है। सो गाइस पहला जो कैरेक्टर है वो है मैक्सिम, और ये है एक पैसिव कैरेक्टर, और इसका एबिलिटी जो है ये दूसरे कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा फास्ट मेडी यूज करता है। अभी जो कैरेक्टर है उसका नाम है केली, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं केली यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड एडम यूज़ कर रहे हैं, और सामने जो जिपलाइन देख रहे हो आप वहाँ तक हम लोग दोनों रेस करने वाले। सो गाइज यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो केली जो है वो एडम से बहुत फास्ट और सामने जा रहा है। सो गाइज केली का काम यही है कि आप जब भी केली यूज़ करोगे वो दूसरे बंदे से बहुत ही फास्ट दौड़ता है। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है डीबी, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। इसका क्या काम है, जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो तब आपका मूवमेंट स्पीड 30% उसका साथ साथ एक्यूरेसी 60% तक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में जो कैरेक्टर है स्काइलर, और इसके पास एक्टिव कैरेक्टर स्किल है, मतलब इसके पास सुपर पावर है। अभी सुपर पावर क्या है हम लोग आगे देखेंगे। गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरे फ्रेंड के साथ गेम प्ले कर रहा था, यहाँ पर मेरे फ्रेंड को एक बंदा मार देता है और मुझे जैसे ही डैमेज देता है मैंने एक ऑल लगाया, और ऑल लगाते ही मेरा यहाँ पर एचपी अपने आप इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस कैरेक्टर को जब भी आप लोग यूज़ करोगे आपका मेड किट अपने आप इंक्रीज होगा जब भी आप ऑल लगाते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इस कैरेक्टर को यूज़ करके सामने वाले बंदे का ऑल को तोड़ दिया। सो गाइज स्काइलर जब भी आप लोग यूज़ करते हो आप लोग ऑल यूज़ करने पे ही आपका मेड किट जो है वो अपने आप इंक्रीज होगा, और आपका एनिमी का ऑल आप इजीली तोड़ सकते हो। इसका नाम है हयातो, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है, और हम में से बहुत सारा बंदा ऐसा है जो बहुत दिनों पहले से गेम खेलता है, उनके साथ इस कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा इमोशन जुड़ा हुआ है। गाइज जब भी इस कैरेक्टर को हम लोग लॉबी में देखते थे तब हम लोग डर में छिप जाते थे नहीं तो भाग जाते थे। लेकिन इसका काम क्या है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। अगर कोई बंदा आपको डैमेज देता है और आपका हेल्थ थोड़ा सा भी कम होता है तब आपको जो बंदा डैमेज देगा उसका जो डैमेज होता है उसको रिडक्ट करेगा, और उसके साथ साथ आप जो गोली मारोगे एनिमी को उसको डैमेज बढ़ा देगा, उसका डैमेज इंक्रीज कर देगा, तब आप लोग ईजिली आपके एनिमी को मार सकते हो। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है क्रोनो, और ये एक एक्टिव कैरेक्टर है, मतलब इसके पास सुपर पावर है। अभी सुपर पावर क्या है मैं आप लोग को सामने क्लिप में दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ, सामने दो बंदा है, और जैसे ही वो लोग फायर करता है मैंने इस कैरेक्टर का स्किल यूज़ किया और मेरे को एक शील्ड के अंदर डाल दिया, मतलब एक शील्ड बन गया और वो बंदा मुझे मार नहीं पाया। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा है, और जब भी वो मेरे को फायर करता है तभी मैंने इस कैरेक्टर स्किल को यूज़ किया और एक शील्ड बन गया। इस कैरेक्टर से आप लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है कैरोलिन, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को आप लोग जब भी यूज़ करते हो तब शॉटगन अगर आप लोग हाथ में पकड़ते हो, लाइक M10 हो गया, उसके बाद M1887 हो गया, जब भी आप लोग शॉटगन यूज़ करोगे तब आपका मूवमेंट स्पीड पहले से 13% इंक्रीज हो जाएगा। इस कैरेक्टर का नाम है क्ला, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। हमारे गेम में बहुत समय ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हमारे गन के अंदर एमो नहीं होता है, उस सिचुएशन में आप इस कैरेक्टर को यूज़ करके आसानी से मुक्के से मार सकते हो। जब भी हम लोग विदाउट क्ला फाइट करते हैं तब मुक्के में 110 का डैमेज आता है, लेकिन जब हम लोग क्ला में फाइट करते हैं मुक्का डैमेज में 550 का डैमेज आता है गाइस। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है ओलिविया, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है, और आप जब भी इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो अगर आपके बंदे को रिवाइव करते हो, रिवाइव करते ही उसका मेडकिट 0 से 80% तक
इंक्रीज हो जाएगा। मिगुएल ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। गाइस जब भी आप लोग गेम खेलते हो तब आपके सामने मेड किट में दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक होता है एचपी और दूसरा होता है ईपी। और यहाँ पर जैसे कि गाइस मैंने एक बंदे को नॉक किया और इस कैरेक्टर को लेकर अगर जब भी आप लोग गेम प्ले करोगे तब कैरेक्टर से मतलब आपका फायदा क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बंदे को नॉक करते हो या तो खत्म करते हो तब आपका ईपी जो होता है अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है एंड्रयू और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आप लोग वेस्ट पहनते हो और इस कैरेक्टर के यूज करने से आपका वेस्ट जो है उसका एनिमी के गोली से रिडक्ट करता है और उसके साथ साथ आपका वेस्ट ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है। इस कैरेक्टर का नाम है जोटा और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर गेम प्ले करते हो तब आपको अगर कोई भी बंदा डैमेज देता है और आपका हेल्थ अगर थोड़ा सा भी कम होता है और आप शॉर्ट रेंज गन्स यूज करते हो, इस कैरेक्टर का काम यही है कि आप जब भी शॉर्ट रेंज गन यूज करोगे और एनिमी को मारोगे तब आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली एक किल के अंदर 20% तक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अभी तक जितना भी कैरेक्टर आप लोगों ने देखा ये सारे कैरेक्टर का बाप है। उस कैरेक्टर का नाम जानने से पहले आप कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपके गेम में यूज करते हो प्लीज आप लोग कमेंट करके बोलो, मैं भी तो देखूं कौन सा ज्यादा कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है। सो गाइस उस कैरेक्टर को आप जब भी गेम में देखते हो तब आपका रिएक्शन सो गाइज वो कैरेक्टर का नाम है हुकोंग और एक एक्टिव कैरेक्टर है और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं गाइज, एक कतई जहर वाला एक कैरेक्टर है, मतलब लिटरली बता रहा हूं गाइज। आप लोग अगर आप इसको यूज़ करते हो तब आप लोग के भी पता होगा। यहां पर देख सकते हो मैं ट्रेनिंग मैच पे आया हूं और यहां पर मेरे सामने बहुत सारा बंदा है, मैंने एक बंदे को मारा और एक ऑल डाला, उसके बाद फिर से एक बंदा आ गया तो मैंने हुकोंग कैरेक्टर को यूज़ कर लिया, तब सामने वाला बंदा मुझे मार नहीं पाया, फिर से एक बंदे को मैंने मारा फिर से हुकोंग कैरेक्टर को यूज़ कर लिया, ऐसे करते करते मैं हर एक बंदे को मार रहा हूं और हुकोंग कैरेक्टर यूज कर रहा हूं लेकिन वो बंदा मुझे इजीली नहीं मार पा रहे, लेकिन मैं उनको इजीली मार सकता हूं गाइस क्योंकि मेरे पास हुकोंग का पावर है। और एक बात गाइस, इस कैरेक्टर को लेके जब भी आप लोग गेम प्ले करते हो तब आपका गेम प्ले बहुत ही अच्छा होता है और आप इसको लेके क्लास इसको रैंक भी खेल सकते हो, चाहे बीआर रैंक भी खेल सकते हो, आपको कोई भी बंदा आसानी से मार नहीं पाएगा क्योंकि जब भी आप एक बंदे को मारते हो आपका हुकोंग चार्ज हो जाता है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है लौड़ा और ये एक पैसिव कैरेक्टर है। अबे क्या नाम रख दिया अबे हमारे फ्री फायर के अंदर। इस कैरेक्टर को जब भी आप लोग यूज़ करोगे अगर आप लोग विदाउट स्कोप मारते हो तब इसका एबिलिटी काम नहीं करता है, लेकिन जब आप लोग स्कोप करके मारोगे तब इसका एबिलिटी काम कर सकता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस ए जब भी आप लोग स्कोप करके मारते हो आपका एनिमी के बॉडी के ऊपर एम जल्दी से आ जाता है, इस कैरेक्टर का काम यही है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसका नाम है सिरू और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और हम में से बहुत सारा बंदा इसे प्यार से कोबरा नाम से बुलाते हैं। अगर आप इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो और 100 मीटर के अंदर अगर कोई भी एनिमी को फायर करते हो तब उस एनिमी के ऊपर एक लोकेशन आ जाएगा और वो किधर जा रहा है आपको पता चल जाएगा बहुत इजीली। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है जोसेफ और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा फायर करता है व आपको डैमेज देता है तब एक कैरेक्टर बहुत ही फास्ट भागने लगता है, मतलब रॉकेट की तरह भागता है, इस कैरेक्टर का यही काम है। के कैरेक्टर ये भी एक एक्टिव कैरेक्टर है और अभी के टाइम गेम के अंदर इस कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है क्योंकि इस कैरेक्टर के मैं काम आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे को एक बंदे ने डैमेज दिया है और मैं यहाँ पर मेडिकेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो के कैरेक्टर है वो आपका ईपी और एचपी दोनों आपको देता रहता है हमेशा, मतलब आप अगर गेम प्ले करते हो और आपके पास मेडिकेट नहीं है तो एक से दो मिनट के अंदर आपका मेडिकेट फुल हो जाएगा, जीरो से फुल हो जाएगा। सो गाइस इस कैरेक्टर को लेके आप लोग रैंक पुश कर सकते हो और ये बहुत ही कैरेक्टर अच्छा है। अभी जो कैरेक्टर है फोर्ड और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका काम मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आप लोग इसको लेके गेम प्ले करते हो और अगर आप गेम के अंदर जोन में फंस जाते हो तब ये कैरेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इस कैरेक्टर को लेके आप गेम करने से आपका जोन का जो डैमेज होता है वो घट जाता है। इस कैरेक्टर का नाम है नोटोरा और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। अगर आप लोग इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो और गाड़ी चलाते हो तब इस कैरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा ओपी होता है क्योंकि जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हो और आपका अगर मेडिकेट थोड़ा सा भी कमता है
तो गाड़ी चलाने पे अपने आप एक कैरेक्टर आपका मेडिकेट को इंक्रीज करता ही रहता है। मीसा कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और अभी के टाइम हमारे गेम के अंदर बहुत सारे बंदे इस कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं रैंक पुश करने के लिए। और इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। जब भी आप लोग मीसा कैरेक्टर को लेकर खेलते हो और गाड़ी चलाते हो गेम के अंदर, तब आपको कोई बंदा आसानी से मार नहीं पाएगा, क्योंकि इस कैरेक्टर का खासियत यही है, गाड़ी चलाने पे गोली आसानी से नहीं लगता है। इस कैरेक्टर के बारे में क्या ही बताऊँ, अलोक चच्चा ये भी एक एक्टिव कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर ने हमारे फ्री फायर के सारे बंदे को टॉप अप करवाना सिखाया है। और गाइज इसका काम आप लोग को क्या बताऊँ, आप लोग तो जानते होंगे, तब भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी एनिमी के साथ फाइट लेते हो और आपका हेल्थ अगर कमता है थोड़ा सा भी, तब इस कैरेक्टर को यूज़ करने पर आपका हेल्थ जो होता है, एचपी जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। और एक बात गाइस, लास्ट वाला कैरेक्टर मिस मत करना, क्योंकि लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो सारे फ्री फायर के कैरेक्टर में से एक नंबर कैरेक्टर है। अभी जो कैरेक्टर है दिशा कैरेक्टर, और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। जब भी इस कैरेक्टर को लेकर आप लोग गेम प्ले करते हो, तब अगर आप कोई भी बड़े घर से या तो ऊंचे जगह से छलांग लगाते हो, तब ये कैरेक्टर बहुत ही फास्ट खड़ा हो जाता है और आपका जो फॉल डैमेज होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी गन यूज़ करते हो, उसका रिकॉइल भी ये कंट्रोल करता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओपी है गाइस, आप लोग लेके खेल सकते हो। उल्फ्रा कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है ये आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप लोग इसको लेके गेम प्ले करते हो, तब अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हो और आपको अगर कोई एक्सपेक्टेड करता है, मतलब आपका गेम प्ले देखता है, तब आप जब सामने वाले बंदे को मारोगे उसका जो डैमेज होता है ना, तब थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। इस कैरेक्टर का यही काम है। एंटोनियो कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। नॉर्मली गाइज हमारे गेम के अंदर जब भी हम लोग गेम प्ले करते हैं, चाहे वो बीआर रैंक हो चाहे सीएस रैंक हो, उसमें हमेशा हम लोग को एचपी जो होता है वो 200 का देखने को मिलता है। लेकिन गाइज अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेके गेम प्ले करते हो, चाहे वो बीआर रैंक हो चाहे सीएस रैंक हो, हमेशा आप का जो एचपी होता है वो 240 से 50 तक शो होगा। मोको कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है आप लोग को समझा देता हूँ। अगर आप लोग इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो और अगर बंदे को फायर करते हो, तब उस बंदे के सिर के ऊपर एक लोकेशन आ जाता है और आपको इजीली पता चल जाता है कि बंदा किधर से किधर जा रहा है। निकिता कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो, नॉर्मली हमारे गेम के अंदर जो रिलोड स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है, लेकिन इस कैरेक्टर को यूज़ करने पर आपका रिलोड स्पीड पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अभी जो कैरेक्टर है इसका नाम है मारो और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर गेम प्ले करते हो, तब डिस्टेंस में अगर कोई बंदा होता है, पकड़ लो मिड रेंज से ऊपर अगर कोई बंदा होता है और आप अगर उसे गोली फायर करते हो, तब ये कैरेक्टर आपका डैमेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। डिमित्री कैरेक्टर एक एक्टिव कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा ओपी है। गाइज अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेके गेम प्ले करते हो और आपका बंदा अगर बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, तब आप खुद से ही अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपने आप को कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पर मैंने अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर लिया। सो इस कैरेक्टर को लेके आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो, इस कैरेक्टर का काम यही है। राफेल कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका काम बहुत ही ज़्यादा ओपी है। जब भी आप इस कैरेक्टर को लेके गेम प्ले करते हो, यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में इसके है और इसके साथ लेवल 3 का मजल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं जब भी गोली चलाता हूँ ये साइलेंसर का काम कर रहा है। सो गाइस इस कैरेक्टर का काम यही है, जब भी आप लोग कोई भी लॉन्ग रेंज का गन यूज करते हो उसमें साइलेंसर का काम करता है। अभी जो कैरेक्टर है पलोमा और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है। गाइस जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को लेके गेम प्ले करते हो, तब आपका बैग का स्टोरेज ये इंक्रीज कर देता है और आप गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लूट कैरी कर सकते हो इस कैरेक्टर को यूज करने से। अभी आता है बॉलीवुड का सस्ता ऋतिक रोशन जय कैरेक्टर और ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और जब भी आप लोग इसको यूज करके सामने वाले बंदे को नॉक करते हो, तब ये कैरेक्टर आपका गन को ऑटोमेटिकली रिलोड कर देता है। एओन 24 कैरेक्टर ये भी एक एक्टिव कैरेक्टर है और जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हो, आपके सामने अगर कोई बंदा होता है चाहे 100 मीटर के अंदर हो, उस बंदे को आप लोग एक इलेक्ट्रिक वेव मतलब ग्रेनेड जैसे एक एक्टिव स्किल छोड़ सकते हो और जैसे आप लोग उसको छोड़ोगे उस एनिमी को जैसे लगेगा वो 25 का डैमेज देगा। इस कैरेक्टर का यही काम है।
एलवेरो कैरेक्टर ये भी एक पैसिव कैरेक्टर है और इसका क्या काम है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो तब ये आपका डैमेज इंक्रेस करता है, उसके साथ साथ आपका गन का रेंज भी इंक्रेस करता है। अभी जो कैरेक्टर है क्लू, ये एक एक्टिव कैरेक्टर है और इसका काम बहुत ही ज़्यादा ओपी है। जब भी आप लोग इसको लेके गेम प्ले करते हो, आपके सामने 70 मीटर्स के अगर कोई बंदा होता है तब उनका लोकेशन आपको पहले मिल जाएगा। और एक बात गाइस, अभी का जो नया कैरेक्टर है उनका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, इस वीडियो के अंदर डाल नहीं पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। सो लास्ट वाला कैरेक्टर के बारे में आप लोग को पहले ही बताया था कि वो सबसे अलग है और सबसे खतरनाक है। सो गाइस उस कैरेक्टर के बारे में क्या ही बताऊँ, द वन मैन आर्मी, द सोलो वर्सेस स्कॉट किंग, सबका प्यारा, मेरा भी प्यारा, आपका भी प्यारा डीजे एडम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डीजे एडम हमारे सामने है, कल्लू एडम है। सो गाइस इसका कोई भी कैरेक्टर स्किल नहीं है, लेकिन गेम के अंदर इस कैरेक्टर को देख के हर एक बंदा डर जाता है क्योंकि अभी के बंदे लोग सोचता है कि जब भी कोई डीजे एडम को लेके आता है गेम के अंदर तब सामने वाला एनिमी एक बार भी सोचता है कि ये अगर कोई बड़ा यूट्यूबर भी हो सकता है, ये प्रैंक भी कर सकता है। सो गाइस एडम चाचा के लिए लाइक तो बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अच्छे से रहना, खुश रहना।